राजस्थान के गांव राहड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है। मृतका की पहचान करीब 42 वर्षीय निर्मला देवी निवासी गांव राहड़ा के तौर पर हुई है। आपको यहां बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 9 कनाल जमीन को लेकर उनका परिवार के ही कुछ लोगों के साथ विवाद चला हुआ है। इस जमीन पर उनका ही कब्जा है और वे स्टे लेने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे। पीछे से दूसरे पक्ष ने खेतों में पहुंच जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पहले उसके साथ उसकी बहन पर भी हमला कर दिया और फिर कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। जांच अधिकारी रमेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जमीन का डिस्प्यूट था सर, ये गांव राड़ा में जय भगवान और ये जगमाल वगैरह एक ही परिवार से, और जय भगवान जो पार्टी है इनकी करीब 3 एकड़ जमीन सरकारी जीटी रोड में आ गई थी। इनका मुस्तर का खाता होने के कारण जमीन का डिस्प्यूट था उसमें, और जय भगवान वगैरह ने अपनी जमीन का कल तहसीलदार के माध्यम से कब्जा लिया था इनके खाते से, जिन्होंने कास्ट इन्होंने की हुई थी। तो इन्हें पता चलने पर दोनों लेडीज गई हैं वहाँ मौके पे, तो दूसरी पार्टी ने इसको दबा के जमीन में पीछे घेर के और उसको धक्के से जल इससे इसकी मौत हो गई है। कार्रवाई कर रहे हैं सर, 9 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रथम उसमें क्या लगा आपको, सीमेंट के लगा ऐसे जांच में क्या पाया गया? जांच में जमीन के विवाद में जबरदस्ती इसको जर लाया है। कितनी उम्र है मृतक की? लेडीज की 40 साल उम्र है। नाम पहले कोई चल रहा था, विवाद चल रहा था कोई ऐसा? नहीं, आपस में कोर्ट में केस चले हुए थे जी इसके डिस्प्यूट के लिए। कितनी जमीन है जिसका झगड़ा था? जमीन करीब 3 एकड़ जमीन जिसमें मामला चल रहा है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है आज? आज मुकदमा दर्ज किया है सर, अभी कार्रवाई कर रहे हैं जी 174 की, फिर उसके बाद इनको कौन कौन सी धाराओं में किया मामला दर्ज? 147, 149, 302, 328 आईपीसी में दर्ज हुआ है। कोई हिरासत में लिया पूछताछ के लिए? 9 लोग अभी तक तो यही है जी, कार्रवाई के बाद फिर अरेस्ट कर। आज पोस्टमार्टम होगा? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद उनको अरेस्ट कर। शुभ नाम आपका? SI रमेश जी, थाना सर। वहाँ मौके पे नहीं था, यहाँ आए हुए थे कमिश्नर के पास स्टे लेने के लिए। अच्छा, कमिश्नर ने स्टे मंजूर कर दी और जब कर औरतों को पता लगा, दो लड़कियाँ थी हमारी बहनें, मैं उनका भाई हूँ, और अपनी छोटी लड़की जो 13-14 साल की है उसके साथ खेत में गई। उन्होंने देखा भी वो खेत में बिजी कड़क में ढोल निकाल रही है, तो उन्होंने रोकने का प्रयास करा। उनमें से एक ने दो को पकड़ लिया और एक ने बाकी सब ने पकड़ के जबरदस्ती जहर पिला दिया। तो अब क्या कार्रवाई की? उचित कार्रवाई चाहते हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, संतुष्ट है? हाँ, उनकी जानकारी हमारे को पता कौन कौन लोग हैं। मौके पर जो लड़की है उन्होंने उनका नाम बता दिया। हाँ, नाम बता दिया। नाम रमेश कुमार, मृतक का भाई है। सिस्टर थी वो, हम तो शाम को आए थे। अच्छा, बच्चे जाओ 7 बजे के आसपास, 6:30। तो ये पहले कुछ तंग करते थे ऐसे कुछ? पहले आए थे जो 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होया उनके साथ मुकदमा तो पहले से चल रहा था। अच्छा, तो मेरे को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.